विराज का जब डायग्नोसिस हुआ था तो सबने मुझे आसपास जितने भी लोग रहते थे सबने इंसिस्ट किया कि मैं उसे स्कूल में डाल देती हूँ, और स्कूल में डालने से, बच्चों के बीच में रहने से वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा एंड उसके काफ़ी सारे चैलेंजेस अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। नाउ आई हैड द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एट दैट टाइम, लेकिन फिर भी मैंने उसे बिना किसी असिस्टेंस के स्कूल में भेज दिया। लास्ट ईयर मैंने विराज की शैडो टीचर की तरह काम किया और वो पूरा ईयर वॉज अ स्लैप ऑन माई फेस कि जो पहले मैंने उसे स्कूल में डाला था बिना किसी असिस्टेंस के, उसकी डेवलपमेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा पुअर थी, तब मैंने उसे 30 बच्चों की क्लास में अकेले भेज दिया था सर्वाइव करने के लिए। उसका रिजल्ट ये हुआ था कि जब वो घर पे आता था तो उसे कोई होमवर्क नहीं करना होता था, कम्प्लीटली विड्रॉ करता था, बहुत थक जाता था, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स, या आप ऐसा भी कह सकते हो बहुत ज़्यादा बर्नआउट्स होते थे। बट लास्ट ईयर मुझे समझ में आया कि मैंने जो भी किया वो बहुत अनफेयर था विराज के लिए। अगर आपका बच्चा ब्लैक बोर्ड से देखकर कुछ कॉपी नहीं कर सकता है, अगर आपका बच्चा 30 मिनट के लिए टीचर्स की बात सुनकर सीट पर नहीं बैठ सकता है, अगर वो पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन के बिना किसी और का इंस्ट्रक्शन नहीं लेते हैं, स्पेसिफिकली बाहर की सेटिंग में जाकर अगर आप ये फेस करते हो कि वो आपकी बात भी नहीं सुनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर उनके साथ सेंसरी इश्यूज हैं और आप उन्हें अकेले भेज रहे हैं विदाउट अ शैडो टीचर इन द स्कूल, तो आप एक तरीके से उन्हें एक जगह भेज रहे हैं जहाँ उन्हें खुद ही मैनेज करके अपने आप को सर्वाइव करना है। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक 30 बच्चों की क्लास में अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि टीचर स्पेसिफिकली आपके बच्चे के सारे एरियाज पे काम करें, देन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बियॉन्ड फ्रॉम देम। अगर मुझे ये मौका ना मिला होता कि मैं विराज की शैडो टीचर बन पाती, देन आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दैट आई वुड हैव चोजन होम स्कूलिंग, बिकॉज शैडो टीचर अफोर्ड करना हर किसी के लिए नहीं है, शैडो टीचर ढूंढना हर किसी के लिए नहीं है, अच्छी शैडो टीचर मिल जाना भी ज़रूरी नहीं है।